ऑलराइट गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप टिज्म डोंगल का जो पासवर्ड है उसको कैसे चेंज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम जो जो पॉइंट कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपने टिज्म डोंगल को ब्रांड न्यू बाय किया है तो इसका डिफॉल्ट पासवर्ड क्या होता है, एंड सेकंड नंबर पर बात करेंगे कि कैसे आप अपने डिफॉल्ट पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। तो थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे कि अगर आपने अपने डोंगल के डिफॉल्ट पासवर्ड को चेंज कर लिया है एंड चेंज किए हुए पासवर्ड को अगेन कैसे आप चेंज कर सकते हो। एंड फोर्थ नंबर पर हम बात करेंगे कि अगर आपने अपनी डोंगल का पासवर्ड चेंज कर लिया है एंड चेंज करने के बाद आप भूल चुके हो कि आपने अपनी डोंगल का जो पासवर्ड है वो क्या रखा था, तो उसको आप कैसे रिकवर कर सकते हो, फाउंड कर सकते हो, वो भी आपको बताऊंगा। काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक ट्रिक है, तो उससे आप अपने जो फॉरगेट पासवर्ड को रिमाइंड कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। तो उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि कैसे आप अपने डोंगल के जो लॉगिन पेज का यूजर नेम एंड पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, ताकि कोई भी आपका फ्रेंड अगर आपके डोंगल के साथ कनेक्ट भी है वो आपके लॉगिन पेज पर जाके आपके डोंगल के साथ कोई भी सेटिंग के साथ छेड़खानी ना करे। एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी डोंगल को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो ताकि आपकी डोंगल अपने डिफॉल्ट सेटिंग पर चले जाए। एंड लास्ट में हम जो अदर फीचर है इस डोंगल के उसके बारे में बात करेंगे कि हमें कौन कौन से अदर फीचर इस डोंगल में देने के लिए मिल जाते हैं। तो गाइस ऐसा होता नहीं है, बट गाइस ये भी पॉसिबल है कि अगर आपने अमेजोन से कोई डोंगल ब्रांड न्यू बाय करी है तो हो सकता है कि जो भी आपको डोंगल रिसीव हुई हो वो पहले किसी और ने बाय करी हो, एंड बाय करने के बाद उसने जो अमेजोन को या फिर जिस सेलर से उसने बाय की थी उसको रिटर्न कर दी हो। तो ये भी पॉसिबल है कि उसने डोंगल बाय करने के बाद जो उसके पासवर्ड होते हैं सेटिंग वगैरह को चेंज कर दिया हो, एंड वो चेंज किए हुए पासवर्ड वाली डोंगल आपके पास आ गई हो, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर आप डोंगल के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे इसके डिफॉल्ट पासवर्ड को लगाने के बाद भी, तो आप इस डोंगल को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, जो भी इसकी डिफॉल्ट सेटिंग होगी वो आपको मिल जाएगी अगर आपको एक ऐसी डोंगल मिल चुकी है जिसका जो पासवर्ड है चेंज है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने टिज्म डोंगल को ब्रांड न्यू बाय किया है तो आपको डिफॉल्ट पासवर्ड इसका क्या मिलता है। तो जैसे आप डोंगल को ओपन करोगे तो डोंगल के नीचे आपको एक स्टिकर मिलेगा, वहां पर लिखा होगा वाईफाई की 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा डिफॉल्ट पासवर्ड होता है जिसको आप फर्स्ट टाइम किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट होने से पहले इसको लगाएंगे तो आप अपनी डोंगल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो सेकंड नंबर पर हम बात कर लेते हैं कि कैसे आप अपने डिफॉल्ट पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, क्योंकि काफी ज्यादा सिंपल है, यहाँ पर आपको पासवर्ड मिल जाता है एंड वीडियो देखने के बाद सभी को पता चल जाता है कि इसका जो डिफॉल्ट पासवर्ड क्या होता है। तो अगर आप अपने डोंगल के डिफॉल्ट पासवर्ड को चेंज नहीं करोगे तो कोई भी सेकंड थर्ड पर्सन आपके डोंगल के साथ कनेक्ट हो सकता है एंड आपका जो इंटरनेट है वो यूज कर सकता है। तो अगर आप अपने स्मार्टफोन को यूज करके इसके डिफॉल्ट पासवर्ड को चेंज करना चाहते हो तो आपको सिंपली अपने गूगल क्रोम में जाके तो ऊपर 3 बटन को प्रेस करने के बाद नीचे डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर देना। उसके बाद जो जो प्रोसेस मैं अपने पीसी पर फॉलो करूंगा तो आप सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो अपने स्मार्टफोन में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दूं कि जिस भी डिवाइस को आप यूज करके इस डोंगल का पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, चाहे वो मोबाइल फोन है, पीसी है, लैपटॉप है, जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हो, मेक श्योर कि आपकी डोंगल के साथ वो डिवाइस कनेक्ट हो एंड आपके डोंगल में सिम कार्ड लगा होना चाहिए एंड सिम कार्ड पर जो इंटरनेट है वो चलता होना चाहिए। तो जब डोंगल में नेटवर्क आ जाए उस डोंगल के साथ अपना जो डिफॉल्ट पासवर्ड को लगा के कनेक्ट हो जाना। तो कनेक्ट होने के बाद जो जो प्रोसेस हम फॉलो करेंगे अपने पीसी पर, तो सेम आप अपने स्मार्टफोन में एंड पीसी में फॉलो करके जो आपकी डोंगल है उसका डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपने पीसी को यूज करके इसके डिफॉल्ट पासवर्ड को चेंज करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो अपनी डोंगल है अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर ली है। कनेक्ट करने के बाद जैसे मैं गूगल पर जाके इसका आईपी एड्रेस वैल्यू करता हूँ तो यहाँ पर मुझे वेलकम टू 4G वायरलेस राउटर। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं जंप कर जाता हूँ इसके लॉगिन पेज पर। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कोई हमें खास जो वेब पेज है वो नहीं मिल रहा, बस यहाँ पर लिखा हुआ यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो ये हमें यहाँ पर स्मॉल लेटर में एडमिन एंड नीचे भी हम एडमिन फिल कर देते हैं, तो ये इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड है। तो गाइस यहाँ पर मैं एक बात आपको मेंशन कर दूं कि ये जो हमारा यूजर नेम एंड पासवर्ड है ये हमारी डोंगल का पासवर्ड एंड यूजर नेम नहीं है, ये हमारी डोंगल के जो वेब पेज है जहाँ पर हम जाके इसकी जो सेटिंग वगैरह वो चेंज कर सकते हैं उसका लॉगिन एंड यूजर नेम है। तो यहाँ पर हम इसको साइन इन पर करते हैं क्लिक। तो जैसे हम लॉगिन कर जाते हैं तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर SSID लिखा हुआ है, तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आके आप अपनी डोंगल की जो सेटिंग वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो
मेरी डोंगल का यहाँ पर नेम है 4G वाईफाई 61005, तो इसको मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। तो गाइज ये है हमारी डोंगल का नेम, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। तो जैसे मैं नीचे आता हूँ शो पासवर्ड पर क्लिक करूँगा, तो ये रहा हमारे पास मेरी डोंगल का पासवर्ड। तो जो मैंने स्टार्टिंग में एडमिन फिल करा है, तो वो हमारी डोंगल का यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं था। ये रहा हमारी डोंगल का नेम एंड ये रहा हमारे पास इसका पासवर्ड। तो यहाँ से आप अपनी डोंगल के डिफॉल्ट पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एटलीस्ट 8 कैरेक्टर फिल करने पड़ेंगे। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हमें जो कैरेक्टर लिखे मिल जाते हैं। तो अगर आप शो पासवर्ड को टिक करके यहाँ पर पासवर्ड चेंज करने जाओगे तो पासवर्ड चेंज नहीं होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर जो इसकी टिक को हटा देता हूँ, उसके बाद आप देख सकते हो मैं पासवर्ड को चेंज कर सकता हूँ। कोई भी अपनी मनपसंदी का यहाँ पर मैं पासवर्ड रख सकता हूँ उसके बाद। तो जैसे मैं सेव पर क्लिक करूँगा तो जो मेरा डोंगल का पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर रीसेट लिखा हुआ है, रीसेट पर क्लिक करूँगा तो जो मेरी डोंगल का डिफॉल्ट पासवर्ड था, अगेन यहाँ पर जो डिफॉल्ट पासवर्ड है वो सेट हो चुका है। एंड रिमेम्बर गाइस, कभी भी आप अपने डोंगल का पासवर्ड चेंज करते हो, लॉगिन यूजर नेम एंड पासवर्ड को चेंज करते हो, तो मेक श्योर उसकी पिक्चर क्लिक करके या फिर एक स्क्रीनशॉट या फिर उस पासवर्ड को अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। तो गाइस, जिस डोंगल पर आपको फिजिकल रीसेट बटन नहीं मिलता, तो उस डोंगल में तो डेफिनेटली आपको ये 3 काम करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर मेरी डोंगल डिस्कनेक्ट हो चुकी है मेरे पीसी से, क्योंकि हमने इसके डिफॉल्ट पासवर्ड को चेंज कर दिया है। एंड थर्ड नंबर पर हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने अपनी डोंगल के डिफॉल्ट पासवर्ड को चेंज कर लिया है एंड चेंज किए हुए पासवर्ड को अगेन कैसे चेंज कर सकते हो। सिंपल वही प्रोसेस है गाइज, डोंगल हमारी कनेक्ट होनी चाहिए हमारी डिवाइस के साथ, उसके बाद गूगल पर जाके हमने अगेन यहाँ पर आईपी एड्रेस फिल कर देना है। तो हो सकता है कि इस बार आपसे जो लॉग इन यूजर नेम एंड पासवर्ड ना मांगे, तो डायरेक्टली आप लॉग इन कर जाओ। तो अगेन यहाँ पर SSID पर जाना है हमने, तो शो पासवर्ड पर हम क्लिक करेंगे। तो गाइस ये रहा हमारा जो हमने जो पासवर्ड चेंज किया था एंड इसको अनटिक करके, तो जो भी आपने पासवर्ड चेंज करना हो तो वो यहाँ पर आगे अगेन आप चेंज कर सकते हो। तो गाइस ये तो थी बात कि अगर आप अपनी डोंगल के साथ कनेक्ट हो, मान लो कि आपका PC कनेक्ट है या फिर आपका स्मार्टफोन आपकी डोंगल के साथ कनेक्ट है, तो आप इजीली वेब पेज पर जाके इसके जो पासवर्ड को अगेन एंड अगेन चेंज कर सकते हो। बट गाइस मान लो कि अगर आप भूल चुके हो पासवर्ड को चेंज करने के बाद एंड आपकी डोंगल किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं है, तो उस केस में आपको जरूरत पड़ेगी एक लैपटॉप की या फिर PC की। तो अगर आपके पास लैपटॉप या फिर PC है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो जो भी आपका PC या फिर लैपटॉप में USB पोर्ट होगा, उसमें आपने सिम कार्ड लगा के डोंगल में उस पोर्ट में इस डोंगल को लगा देना है सिंपली। एंड जब इसमें नेटवर्क आना स्टार्ट हो जाएगा एंड हॉटस्पॉट मिलना हमें स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, एक पॉपअप आएगा आपकी PC में या फिर लैपटॉप में, तो उसको आपने सिंपली यस कर देना। तो यहाँ पर मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके बता दूंगा कि कैसे आप इसको यस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नेटवर्क कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास, तो आपके पास भी जो नेटवर्क कनेक्टेड है वो लिखा आने लग पड़ेगा। तो कुछ टाइम तक आपको यहाँ पर कनेक्टेड दिखाई देगा, उसके बाद हो सकता है डिसकनेक्ट हो जाए, तो उससे पहले पहले आपने अपनी डोंगल का जो पासवर्ड है वो चेंज कर लेना है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो जो मेरी डोंगल में नेटवर्क आना बंद हो चुका है। तो क्या करना है कि अगर ऐसा कोई केस हो जाए, नेटवर्क आना हट जाए, तो यहाँ पर जो कनेक्टेड साइन आ रहा था हमारे पास वो चला गया है, तो उस केस में क्या करना है, आपने डोंगल को निकाल के दोबारा से जो USB पोर्ट है उसमें लगा देना है एंड सिंपली आपने वेट करना है थोड़ा टाइम, जब यहाँ पर नेटवर्क आना स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर आपको कनेक्टेड का साइन मिल जाएगा। तो इन केस यहाँ पर अगर कनेक्ट नहीं होता तो आप अपने PC के नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग पर जाके उसके बाद ईथरनेट पर जाके यहाँ से कनेक्ट हो सकते हो। तो ऐसे करके भी आप इस डोंगल के साथ विदाउट पासवर्ड कनेक्ट हो सकते हो। ये विंडो 10 है, तो विंडो 7 या फिर 11 में कैसे ये काम करता है मुझे नहीं पता, तो मैंने यहाँ पर आपको विंडो 10 के साथ डेमोस्ट्रेट करके बता दिया है। तो विंडो 10 ही ऑलमोस्ट सभी के पास होती है आज के टाइम पर। तो आप अपने फ्रेंड के PC या फिर लैपटॉप पर जाके भी इस डोंगल का जो पासवर्ड है वो चेंज कर सकते हो, फाउंड कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास नेटवर्क कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है, बट गाइस जो हमारी एक्चुअल डोंगल है वो हमारे PC के साथ स्टिल कनेक्टेड नहीं है। तो जल्दी से यहाँ पर मैं गूगल पर जाके इसके IP एड्रेस को फिल कर देता हूँ। जैसे मैं इसके यूजर नेम एंड पासवर्ड को फिल कर दूंगा तो मैं इस डोंगल के वेब पेज पर चला जाऊंगा, बट स्टिल हम यहाँ पर कैपेबल हो चुके हैं हमारी डोंगल के पासवर्ड को चेंज करने के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पर आके SSID पर शो पासवर्ड पर क्लिक करूंगा, तो जो भी मेरा फॉरगेट पासवर्ड होगा, जो भी पासवर्ड मैं भूल चुका था, तो इस तरीके से मैं अपनी डोंगल के पासवर्ड को रिमाइंड कर सकता हूँ, फाउंड कर सकता हूँ।
तो इस तरह से हम यूएसबी टेथरिंग का भी जो ऑप्शन है यूज कर सकते हैं। तो गाइस मान लो कि आपके घर में गेस्ट आ चुके हैं या फिर आपका फ्रेंड आपसे डोंगल का पासवर्ड मांग रहा है, एंड जो भी आपने अपनी डोंगल का पासवर्ड है वो अपने फ्रेंड के साथ या फिर रिलेटिव के साथ शेयर कर लिया है। बट गाइस यहाँ पर जो भी आपकी डोंगल के साथ कनेक्ट होगा तो उसके पास एक राइट आ जाता है कि वो आपकी डोंगल पर लॉगिन पेज को एक्सेस कर सकता है। जो भी आपकी डोंगल की सेटिंग वगैरह होगी या फिर कोई पासवर्ड वगैरह के साथ छेड़खानी कर सकता है। तो ऐसा अगर आप चाहते हो कि वो ना करे आपका फ्रेंड जो भी आपके डोंगल के साथ कनेक्ट है, तो मेक श्योर आपको आपकी डोंगल के वेब पेज का जो पासवर्ड है उसके यूजर नेम एंड पासवर्ड को आपको चेंज कर लेना पड़ेगा। तो जैसे हम यहाँ पर वेब पेज पर आ जाते हैं तो लॉगिन अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यूजर नेम एडमिन लिखा हुआ है। तो न्यू पासवर्ड यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसके यूजर नेम को यहाँ से चेंज कर सकते हो, इसके पासवर्ड को यहाँ से चेंज करके। तो कन्फर्म पासवर्ड में जो भी आपने न्यू पासवर्ड रखा होगा अगेन फिल कर देना। तो सेव करने के बाद जो भी आपकी डोंगल का जो वेब पेज का यूजर नेम एंड पासवर्ड होगा वो चेंज हो जाएगा। तो लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि कैसे आप अपनी डोंगल को फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, जो भी आपने सेटिंग वगैरह चेंज कर रखी होगी वो आपकी डिफॉल्ट पर चली जाएगी। तो इन केस आप अपने डोंगल का पासवर्ड भूल चुके हो एंड कोई भी डिवाइस आपके डोंगल के साथ कनेक्ट नहीं है, तो ऐसे झंझट करने से अच्छा है कि आप अपने डोंगल को फैक्ट्री रीसेट कर लो, उसके बाद जो न्यू पासवर्ड है वो क्रिएट कर लो। तो आप इसको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन भी कर सकते हो, ये काफी बढ़िया बात है। तो फैक्ट्री रीसेट करने का यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे जो हमारी डोंगल है वो ब्रांड न्यू सेटिंग पर चली जाएगी। तो इसके अलावा यहाँ पर आपको फिजिकल बटन मिल जाता है इस डोंगल पर, तो उस फिजिकल बटन को अगर आप 5-6 सेकंड तक क्लिक करके रखते हो तो उसके बाद जो आपकी डोंगल है वो फैक्ट्री रीसेट हो जाएगी। तो लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको कौन कौन से यहाँ पर फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं डिज्म डोंगल में। तो यहाँ पर जैसे आप लॉगिन करते हो वेब पेज पर टिज्म मिल जाएगा आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है वायरलेस राउटर, तो वायरलेस राउटर पर भी एंड टिज्म डोंगल पर क्लिक करने का हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पर मान लो कि SSID में जा चुके हो, टिज्म पर क्लिक करोगे तो आप जो होम पेज है वहां पर आ जाओगे। SSID पर क्लिक करेंगे, वायरलेस राउटर पर क्लिक करेंगे तो इसके जो होम पेज पर आप आ जाओगे। जो लॉग आउट लिखा होता है वो नहीं मिलता, नेटवर्क टाइम मिल जाता है, जियो की सिम लगी हुई है, नेटवर्क कितना आ रहा है, नेटवर्क स्ट्रेंथ है वो हमें यहाँ पर पता चल जाएगी, 4G कनेक्टेड एंड 1% हमारी डोंगल के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ रहा है। हेल्प में जाके आप एक PDF डाउनलोड कर सकते हो, तो उसमें आप चेकआउट कर सकते हो, कौन कौन से प्रिकॉशन वगैरह आप ले सकते हो इस डोंगल के साथ वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। APN वगैरह सेटिंग वगैरह आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर डिफॉल्ट पर आपको जियो की सेटिंग मिलेगी। तो जो भी आपने APN सेटिंग वगैरह छेड़खानी करनी हो तो वो आप करके देख सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास लॉगिन अकाउंट वही आ जाता है कि आप अपने जो डोंगल के वेब पेज के यूजर नेम एंड पासवर्ड को कैसे चेंज कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम इन्फॉर्मेशन आ जाती है, फ्रेमवेयर है वो मिल जाएगा, हार्डवेयर स्टोरेज यहाँ पर 2GB लिखी हुई है बट मुझे पता नहीं है कि इसमें स्टोरेज है भी या नहीं। तो ऑपरेटर यहाँ पर जियो है वगैरह वगैरह, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर अपने PC में जाता हूँ तो कोई भी मुझे स्टोरेज का ऑप्शन इस डोंगल के साथ देखने के लिए नहीं मिलता। तो स्टैटिस्टिक्स में जाके तो कितना आपने टोटल यहाँ पर डाटा यूज कर लिया इसको क्लियर कर सकते हो, एंड उसके बाद टर्न पर क्लिक करोगे तो आप इसके जो होम पेज पर आ जाओगे। उसके बाद यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाता है एंड 3G 4G नेटवर्क सेट करने का आपको यहाँ पर ऑप्शन तो मिल जाता है, बट गाइस यहाँ पर मेरे पास ये काम नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रीसेट करने का बटन कि आपकी जो डोंगल है वो बंद होके दोबारा से टर्न ऑन हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास डाटा स्विच का ऑप्शन आ जाता है, आप जो भी आपके डोंगल में सिम लगी होगी जो भी उस पर इंटरनेट चल रहा होगा उसको आप यहाँ से बंद कर सकते हो। तो लास्ट में यहाँ पर SMS का आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पर आप इनबॉक्स आउटबॉक्स रिटर्न, तो सबसे पहले सेंड SMS पर क्लिक करोगे तो किस नंबर पर आप जो SMS को सेंड करना चाहते हो यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। उसके बाद नीचे जो भी आपने SMS सेंड करना हो यहाँ पे आगे सेंड कर सकते हो, इनबॉक्स चेक कर सकते हो, आउटबॉक्स चेक कर सकते हो एंड रिटर्न का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो गाइस यहाँ पर मुझे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम अपने डोंगल में जो कॉल वगैरह है वो कर सकते हैं या नहीं, तो डेफिनेटली आप कोई भी कॉल वगैरह नहीं कर सकते। आपको एक सेपरेट सिम कार्ड इसमें लगानी पड़ेगी, मतलब जो भी आपका मेन नंबर होगा वो इस डोंगल में मत लगाना, आपको कॉल नहीं आएगी, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी जो सिम कार्ड पर कौन कौन सी कॉल आई है, मिस कॉल आई है, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा, आपकी सिम बंद हो जाएगी। बस आपको SMS अलर्ट मिलेंगे कि हाँ आपकी डोंगल पर ये SMS आ चुका है, वो आप चेकआउट कर सकते हो इसका IP एड्रेस अपने गूगल ब्राउजर पर जाके फिल करके। तो किसी भी डोंगल के साथ आप कॉलिंग वगैरह नहीं कर सकते।
जो हमारे पास टिज्म की बैटरी वाली डोंगल आ जाती है उसका भी जो पासवर्ड होता है सिमिलर यही तरीके से चेंज होगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। आई होप कि इस वीडियो में मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए होंगे, बट स्टिल अगर आपके दिल में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं आपके सवाल का डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी आपने डोंगल बाय करनी हो तो नीचे आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, बाय कर सकते हो। तो आई होप कि गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो जहां पर आने हो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।